गुड मॉर्निंग साथियों। ना दर्द ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना दर्द ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कुछ ऐसी लाइनें हैं जो हम बार बार बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, लेकिन उन लाइनों के पीछे आपके दिल में आने वाला जुनून जो है वो हर बार नया होता है। आपका डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्लास शुरू हो चुका है। आज क्लास नंबर 15 है, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 6वां चल रहा है शायद ये, है ना, जिसमें आज हम लोग एलसीएम तथा एचसीएफ देखने वाले हैं, मतलब लघुतम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा। इसके अलावा कंपाउंड एंड प्राइम नंबर भी देखेंगे, मतलब भाज्य और अभाज्य संख्याएँ। देखिए साथियों, एलसीएम क्या होता है, HCF क्या होता है, इसी LCM को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। देखिए, वर्त और वर्तक में अंतर है, दोनों का मतलब अलग अलग समझ लीजिएगा। जैसे अगर एक संख्या हमने लिख दिया 16 और एक लिख दिया 12, कभी भी LCM और HCF किसी एक संख्या के नहीं होते हैं, दो या दो से अधिक संख्याएं होनी चाहिए। चाहे दो संख्या हो, चाहे चार हो, चाहे आठ हो, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक संख्या का एलसीएम एचसीएफ नहीं होता है। कैसे, जैसे लिखा 12 या 16, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ समझना, और एलसीएम निकालेंगे तब उसका मतलब भी समझना। 12 16 तो बड़ा हो जाएगा यार, आप ले लो 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 मतलब समझना, इधर एलसीएम में समझना, ये एचसीएफ में समझना। देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से कट जाएगी, मतलब समझना दोनों में अंतर, वो छोटी से छोटी संख्या जो 4 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो देखो, 4 से कटने वाली संख्या 8 हो जाएगी, लेकिन 6 तो नहीं कटेगी 4 से, ओ सॉरी 8 जो है 6 से तो नहीं कटेगी, 9 10 11 12 हो जाएगी। देखो 12 क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम हो गया। कैसे, क्योंकि 12 4 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी। लेकिन एचसीएफ का मतलब समझना, इसमें हमने वो संख्या इसके लिए खोजा जो इन दोनों से कट जाए, लेकिन HCF में क्या होता है, इसमें हमें वो संख्या बताना है, वो अंक बताना है जिससे ये दोनों कट जाए, मतलब समझ में आया। इसमें ये कसाई बनते थे, ये बकरा बनता था, मतलब हमें इसके लिए क्या खोजना था, बकरा खोजना था, कटने वाला, समझ गए ना। इसमें क्या खोजना है, इसमें ये बकरा बनेंगे, इनके लिए काटने वाला खोजना है। बात समझ में आई अंतर ना, मतलब वो इसमें तो छोटी से छोटी संख्या खोजना था जो इन दोनों से कट जाए, इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या खोजना है जिससे ये दोनों कट जाएं। आप समझ गए होंगे। तो जैसे देखो, ये दोनों तो एक से भी कट जाएंगे, दो से भी कट जाएंगे, और किसी से कटेंगे नहीं ना, तो यानी इसका HCF क्या हो गया, 2 हो गया और LCM 12 हो गया। बात समझ में आई ना, ये तो फंडा था एकदम बेसिक वाला, LCM और HCF क्या होते हैं, बाकी इनकी अलग अलग विधियां हैं। इस समय आपको यकीन नहीं होगा, हम बताते इसलिए हैं कि जिससे आप लोग भी कुछ करने को सोचें। 5वीं क्लास हो रही है इस समय, आप देख सकते हैं कितना बज रहा है ना। तो सुबह होने वाली है, जस्ट अभी थोड़ी देर बाद आप लोग की 5 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी, आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम सो जाएंगे, फिर उठेंगे 9 10 11 बजे तक। तो आप लोग इनको देखते रहिएगा। देखिए, इसमें क्या करना है, अब हमें LCM और HCF को एकदम घोल के पी जाना है, मतलब जिससे कभी ये भुलाए ना। चलिए, मतलब तो दोनों में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं एक विधि से,
देखिए, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक होता है अभाज्य भाग विधि। तो दोनों विधि से हम यहां पर निकालना सीखेंगे, ठीक ना? मतलब समझना, जैसे हमने नंबर वही ले लिए 2 और 4। देखिए मतलब समझना कैसे करना है, बस 2 और 4 हमने इधर भी ले लिया, इधर हम HCF निकालेंगे, इधर हम LCM निकालेंगे। हमारी जो विधि चलेगी वो गुणनखंड विधि होगी। पहले कौन सी करेंगे? गुणनखंड विधि। देखिए पहले छोटे छोटे नंबर का हम बताएंगे, बड़ा नंबर आप सीख जाओगे। तो साथियों गुणनखंड विधि में हम पहले दी गई संख्याओं के गुणनखंड करते हैं। जैसे 2 गुणा 1 आएगा, इसका 2 गुणा 2 आएगा। इधर भी आप गुणनखंड कर लोगे तो 2 गुणा 1 और 2 गुणा 2 आएगा। प्रिय मित्रों एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में मिलता है पहले उसको चुनते हैं, कॉमन वाला, ठीक। फिर क्या करते हैं, लास्ट में वो नंबर भी लिख लेते हैं जो दोनों में नहीं है। ये इसका आंसर हो गया 4 LCM। लेकिन HCF में ऐसा नहीं होता है, यहाँ बड़ी ही पारदर्शिता और ईमानदारी से काम होता है। जो दोनों में मिलता है केवल वही आंसर होता है, बस। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। मतलब समझ में आया ना? कभी ना भूलोगे, गारंटी के साथ बोलते हैं हम, नहीं आप लोगों की गारंटी के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए फिर लगे रहिए। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ना? तो बिल्कुल मैथ क्या है, ये भी पानी बन जाएगी, बस जोर लगाते चलिए। अगला अगर हम नंबर ले लेते हैं 12 और 18, 12 और 18, इसके पहले एक एक के गुणनखंड करोगे। 2 दूना 4 3 12, 2 9 18, 2 3 36 18, है ना? एक बता रहा हूँ, इसके बाद आप खुद करोगे आप लोग। ये LCM है और ये HCF है, अभाज्य गुणनखंड विधि है दोनों। अंतर समझना दोनों में, कभी ना भूलोगे, एक एक पढ़ाएंगे तो भुला जाओगे। LCM में पहले उन संख्याओं को लिखो जो दोनों में है, जैसे 1 2 हो गया, अभी भी है, हाँ 3 है दोनों में। उसके बाद LCM की एक खासियत होती है, जो दोनों में नहीं होता है उन अंकों को भी लिख लेते हैं। जैसे ये 2 है और ये नीचे 3 है, ये भी सब लिख लेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं, सबका गुणा कर लो। 2 3 6 2 12 3 36, LCM 36 आ गया। HCF में क्या करते हैं साथियों, जो दोनों में मिलता है उसको लिख लेते हैं, ये बस वही लिखते हैं जो दोनों में मिलता है, ठीक। ये दोनों में अंतर होता है। तो आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो चुपचाप फटाफट सवाल लिख लीजिए और घर से चुपचाप करके लेके आ जाइएगा। चलिए लिखिए, इसी तरह से करना, ठीक ना? नंबर लिखिए 36 और 42। अब हम छोटा छोटा नंबर ना देंगे, छोटा छोटा तो हम लगाए हैं ना, बड़ा बड़ा आप लोग लगाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको पास करना है, हमको थोड़ी करना है। HCF एंड LCM नंबर लिख लो जल्दी से, 36 42, बी वाला है 12 और 40, सी वाला है 8 और 14, डी वाला 32 18, 105 21 और 28। देखो 3 अंक का भी वैसे ही करेंगे जैसे उसमें हो रहा था, तीनों में कॉमन करेंगे बस, बाकी और कुछ नहीं है। ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम देखेंगे भाग विधि। तो भाग विधि में भी देख लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद भाजकता के नियम भी है इसी में, भाज्य अभाज्य संख्याएँ भी पढ़ना है,
तो चलिए अब भाग विधि से आपको दिखा देते हैं काहे लिए टेंशन लेना है। भाग विधि में क्या करेंगे, उसमें भी ऐसे ही कॉलम बनाते हैं, कुछ नया नहीं होता है। जैसे हम आपको बताएं भाग विधि से एलसीएम एंड एचसीएम, नंबर हमने ले लिया क्या है 12 और 18, ठीक है 12 और 18। चलिए इधर एलसीएम करेंगे साथियों, इसमें भाग विधि में ऐसे एक लाइन खींच करके दोनों नंबर को ऐसे सूली पे चढ़ा देते हैं, मतलब समझना, और इनको क्या करते हैं कुर्बान कर देते हैं इन पर। और वो कैसे करते हैं देखना ध्यान से। अब क्या करेंगे, अब इनको गुणनखंड करेंगे। जैसे आप काटते आए हो ना, जैसे दो से सबसे पहले काटेंगे, मतलब अगर सम संख्याएं हैं तो दो से ही काटेंगे, लेकिन शेषफल जीरो आना चाहिए। आप जानते हो कि 12 में दो से भाग करोगे तो 6 आएगा ना, तो जो 6 आएगा वो इसके नीचे रहेगा, बस इतना लिखते हैं। 2 का भाग 18 में करोगे 9 आएगा, फिर ऐसे जब तक कोई भी एक अंक दो से कटेगा तब तक आप दो से ही काटोगे, फिर दो से काटेंगे 2 3 6 ये 9 नहीं कटेगा ऐसे, फिर 3 से 3 3 9 3 3 9 फिर ये 3 से, ये हो गया पूरा फंडा एलसीएम का। ये भाग विधि है, जिससे जिससे भी कटा है उसका गुणा कर लोगे, यही उत्तर हो गया। 2 2 4 3 12 3 36। देखिए अभी आपने गुणनखंड विधि से भी एलसीएम 36 ही निकाला था, याद है कुछ, इसको भी कर लो। देखिए इसमें भाग विधि में साथियों ये रूल होता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं, ये फिर जो शेषफल आ जाता है उसी से भाग कर देते हैं इसके भाजक में यानी 12 में। फिर शेषफल जब जीरो आ जाता है तो लास्ट वाला भाजक क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है ना, कितना आसान, कर लोगे ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छे हैं, इतना अच्छे हैं कि पूछो मत। नींद तो बहुत तेज लगी है इस टाइम, लेकिन आप लोगों की क्लास भी तो ख़त्म करना है ना। चलिए ठीक है, लगे रहिए। ये दोनों विधि हो गया, अब आप एक काम करिए और होमवर्क लिखिए और उसको करिए। चार विधि हो गई, मतलब चार चीज़ें हो गई ना एक सवाल में, गुणनखंड विधि, भाग विधि, ढेर सारी विधि हैं, तो होमवर्क लिख लो फटाफट। 16 18 32 19 18 20 25 15, ये अलग अलग सवाल है, ये अलग है वो अलग, सब अलग है। दोनों विधियों से करना, एलसीएम में लिख लो 29 41 48 54 27 105 110 125, इनको करना है, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो एलसीएम एचसीएफ की अवधारणा हो गई है। उसके बाद साथियों अगर इसी में बात करें तो इसी में है आपका भाज्य व अभाज्य संख्याएं, उसको भी याद कर लो, काहे लिए लगे हाथ, सुबह हो रही तो हो जाने दो। देखिए भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपाउंड नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखिए अभाज्य और भाज्य क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, वो संख्याएं जो एक से कटें, खुद से कटें, इसके अलावा किसी और भी एक संख्या से कटें, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जो संख्याएं एक से कटें, खुद से कटें, बाकी किसी से ना कटें, वो अभाज्य संख्या कहलाती है।
जैसे 9 है 1 से 3 और 9 सबसे ये डिवाइड होगी, लेकिन 7 है तो ये 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, बाकी किसी से ना कटेगी, तो क्या होगा? ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। मतलब भाज्य के लिए कम से कम 3 संख्या से पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड 3 नंबर से होना चाहिए मिनिमम। जैसे 18 लिखा, ये भाज्य संख्या है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से। जरूरी नहीं कि सम संख्या ही भाज्य होती है, देखो विषम भी है, 21 भी भाज्य है, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, है ना? लेकिन 23, ये देखो 13, 23, ये केवल 1 से कटेंगे और खुद से कटेंगे बस, बाकी किसी से ना कटेंगे, ये अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों में मतलब समझ गए ना? ये एक से अधिक ढेर सारी संख्याओं से कटेंगी और ये सिर्फ एक से कटेगी और खुद से कटेगी बस। कोई भी संख्या होगी अगर अभाज्य में तो एक से कटेगी और खुद से कटेगी। कटने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड। जैसे अगर हम बोलें कि 14 2 से कंप्लीटली डिवाइड है, इसका मतलब ये जीरो रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल जीरो आ रहा है। कटने को तो 2 से 15 भी कट जाएगा, देखो 2 से 14 घटाने पर एक शेषफल आ रहा है ना, ये रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, एक भी जीरो आना चाहिए, तब कटा माना जाता है। तो इस तरह से आपने ये सब देख लिया, भाजकता नियम हम आपको अगली क्लास में दिखा देंगे। वैसे तो हमने इसको पढ़ा दिया था पिछली क्लास में भाजकता नियम वगैरह, लेकिन फिर भी आपको दिखा देंगे। चलिए, जो भी छात्र छात्राएं क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, वो लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 10 से 12 के बीच में। ये फ़ोन पे का भी नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है और गूगल पे का भी नंबर है। अगर आप कंप्लीट मैच चाहते हैं किसी भी सेमेस्टर का, तो आपको मात्र 599 रुपये का पे करना होगा, और ये दिवाली अभी के मौके पर ये 500 रुपया हो चुका है। आप एक दिन में पे करेंगे 500, आपको DLED थर्ड सेमेस्टर, सेकंड या फोर्थ जो भी ज्वाइन करेंगे उसका कंप्लीट कोर्स मिलेगा। अगले सेमेस्टर में फिर से शुल्क का भुगतान करना होगा। बात समझ में आई ना? तो चलते हैं साथियों, इसके लिए बस इतना ही। 7 बजे से अभी देखिएगा आपका कंपटीशन का गणित होगा, RRB NTPC SSC वगैरह की, उसको ज़रूर देखना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको अपडेट मिल सके। 7 बजे के बाद 8 बजे से हम आएंगे कक्षा 10 की NCERT मैथ लेकर के, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। तो 5 बजे से क्लास शुरू हुई थी, 8 बजे आप देखेंगे कक्षा 10 की गणित, 9 बजे से फिर से आपकी क्लासें होंगी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए, वहाँ पे दिया गया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए। जय हिंद। चलते हैं फिर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें, दिखाते रहें PVR स्टडी, दोस्तों में शेयर करके जाइएगा।